The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Over-the-counter medication should be used only for some diseases. Kuch bimariyon ke liye use kar sakte hain, bas. Allergies ke liye, minor allergies ke liye, माइनर दर्द के लिए, पेन के लिए, फीवर के लिए, थोड़ा बहुत डायरिया के लिए, कोल्ड्स के लिए, थ्रोट थ्रोट के लिए, गले ख़राब के लिए, उल्टी के लिए, ये सब यूज़ कर सकते हो. मगर ज़्यादा ही हो रहा है तो यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल, यू हैव टू गेट चेक. ठीक है ना. ओवर द काउंटर मेडिकेशन डेंजरस भी हो सकती है, हमने ऑलरेडी बताया है, राइट. हर दवाई ओवर द काउंटर नहीं आती और हर दवाई के दूसरी दवाइयों के साथ रिएक्शन हो सकते हैं. सो अगर आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हो तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. सिंपल चीज़ है, ठीक है ना. और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में बहुत सिंपल चीज़ें हैं. मेन चीज़ें, दवाइयाँ याद रखिए. पेन किलर या फीवर के लिए एसिटामिनोफिन होती है. नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ब्रूफिन आइपोप्रूफिन पेन के लिए होती है. नेप्रोक्सिन होती है. डिस्प्रिन एस्पिरिन को हाथ नहीं लगाना है. एस्पिरिन को भूल जाइए, एस्पिरिन नहीं लेना है, पेन किलर है. उसके बाद में आपको अगर नाक में इशू आ रहा है, स्टफीनेस नोज में आ रहा है, तो आप अपना सोच सकते हो कि हम कोई डेक्स्ट्रोमिथोरफान, ग्वानिफिसिन, गला ख़राब है ऐसी चीज़ें हम नेज़ल सूडोएफिनेफ्रिन डीकंजेशंस ले सकते हैं, नेज़ल स्प्रे ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ओट्रीविन या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं. फिर सर में दर्द हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, सोर थ्रोट है, तो फिर हमें याद रखना है कि हमें अगेन पैरासीटामोल लेना है, जिंक सप्लीमेंट लेना है, राइट. कुछ दवाओं के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं. अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो कई बार वो लिक्विड्स जो आते हैं डाइजीन, वो बिस्मत, सिमेथिकोन, इन तरीके के लिक्विड्स ले सकते हैं. उसमें कैल्शियम भी होता है, कईयों में शुगर भी होता है, तो रिमेंबर दैट थिंग. थोड़ा सा वो डायबिटीज़ के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है. तो अपने को देखना है कि कौन सी दवा ले रहे हो उसमें क्या है, वो अपने दूसरे दवाइयों के साथ अपनी बीमारी के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करेगा, राइट. और डायरिया के लिए इमोडियम लेते हो, ज़्यादा लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली हाउ द मेडिकेशन वर्क्स, राइट. नींद नहीं आती है तो मेलाटोनिन आती है, यू कैन टेक मेलाटोनिन इन फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन, राइट. खुजली हो रही है ना, एलर्जी हो रही है, थोड़ी बहुत एलर्जी के लिए यू कैन ट्राई अदर मेडिकेशन, एंटी हिस्टामिन, डाइफिन हाइड्रामीन, बिनाड्रिल जैसी चीज़ें, सिट्रीजीन जैसी चीज़ें, फिनोफेक्साडीन जैसी चीज़ें, लोराटिडीन जैसी चीज़ें. बट देन यू हैव टू मेक श्योर एलर्जी बढ़ती जा रही है तो डॉक्टर के पास जाओ, राइट. नेजल एलर्जी के लिए क्रोमोलिन सोडियम आता है. So you have to understand these all small points that every single disease, every single problem will not get cured by just oral, by just over the counter medications. And specially any kind of, agar aap antibiotic le rahe ho, the most important medicine not to be taken is antibiotics. Far jada, far more damage we will do to yourself, to the society, if you are taking antibiotics without prescription. Without proper diagnosis. Make sure to go to a doctor, proper doctor, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ. ऐसा नहीं कि जो जिस सबको आते हुए एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड बांटते रहते हैं, ऐसे भी डॉक्टर दुनिया में. मत जाओ उनके पास, खुला बोल रहा हूँ मैं, मत जाओ. ऐसे डॉक्टर जो हर चीज़ के लिए स्टीरॉयड बांटते हैं, हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, उनके पास जाना बंद कर दो. कोई मतलब नहीं है दुनिया ख़राब करने का, कोई मतलब नहीं है सबको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने का. That is wrong. Watch my video on antibiotic resistance and you will understand what I'm saying. So, these are all about my advice for over-the-counter medication, what not to be taken. किसी भी प्रकार का antibiotic, किसी भी प्रकार का blood thinner, किसी भी प्रकार की heart की medicine, सांस की medicine नहीं लेनी है over-the-counter medications में. अपने मर्जी से कोई भी दवा दूसरी दवाई से mix नहीं करनी है, ठीक है. आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयाँ मिक्स करके रिएक्शन कर सकती हैं, राइट. हेलो होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकती हैं. हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर ज़्यादा डोज में ले लोगे तो, राइट.
ये नहीं है कि बुखार है तो दो गोली खा लो, मेरे को एक गोली से, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, मेरे को एक गोली से कोई असर नहीं होता, मैं दो खाती हूँ, मैं चार खाती हूँ पेन किलर, आपको साइड इफेक्ट भी डबल होगा, चार गुना होगा. सो डोंट डू दैट, नेवर. वी आर हियर, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनके पास जाओ, बात करो. एक अच्छा डॉक्टर नहीं है तो दूसरे के पास जाओ. आई अंडरस्टैंड नॉट एवरीबडी इज गुड, नॉट एवरीबडी इज कंप्लायंट, नॉट एवरीबडी लिसन्स टू यू, नॉट एवरीबडी एक्सप्लेन्स यू, बट देर आर अदर डॉक्टर्स. टेक योर टाइम, इट्स योर लाइफ, डोंट प्ले विद इट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, डू शेयर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.